पप्पू पेजर, कुछ सोचना पड़ेगा समथिंग दैट एवरी एक्टर शुड डू एटलीस्ट वंस इन देयर करियर इज भाई, अगली पिक्चर भी प्रेजेंट कर देगा भाई, साथ होता है तो और कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर। जो मैंने सहजता दिखाई है वो पंकज त्रिपाठी से सीखी है मैंने। वो गोविंदा गोविंदा जी से अगर आपको सवाल पूछना चाहेंगे तो थोड़ी रिस्पेक्ट की कमी है, आउटडेटेड बोल दिया जाता है। सती जी, पंकज त्रिपाठी जी के बारे में एक ऐसी चीज जो हर एक्टर में जरूर होनी चाहिए, टैलेंट। कागज के लिए मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट क्या था और किससे मिला आपको? बोनी कपूर ने मुझे बड़ा अच्छा एक मैसेज भेजा था मुझे कि सतीश यू हैव गॉट रिस्पेक्ट व्हिच यू डिजर्व ऑल ऑल द टाइम इन द इंडस्ट्री। हाउ सतीश कौशिक द एक्टर हेल्प्स सतीश कौशिक द डायरेक्टर इन अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ द एक्टर आई एम वर्किंग विद, यू नो आई एम वेरी काम विद एक्टर्स, यू नो मेरा एक्टर जो है वो एक्टर को डायरेक्ट करने में बहुत मदद करता है। अ रोल ऑफ योर्स दैट यू हैड नेवर थॉट यू कुड प्ले? मेरी एक इंग्लिश फिल्म थी ब्रिकलेन, मेरे को लगता है मुझे बड़ा बड़ा अच्छा काम किया था और मुझे बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड उसके बहुत रिव्यूज मिले थे। आज का टाइम होता तो मेरा एक्टर स्टेटस कुछ और ही होता, उन दिनों में फेसबुक वगैरह ये सब चीजें डिजिटल मीडियम था नहीं, पर मेरा पर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में या मैं जहां भी गया हूँ लंदन फिल्म फेस्टिवल में द काइंड ऑफ अप्लॉज आई गॉट When I came onto the stage, I remember कि वो मैंने लेस्टर स्क्वेयर में ऑडियन थिएटर है वहाँ पर जब ब्रिकलेन का प्रीमियर हुआ था और मैं जब स्टेज पे आया तो द काइंड ऑफ अप्लॉज आई गॉट, देयर वर टीयर्स इन माई आईज दैट यू नो एक करोल बाग गली का लड़का जो है वो आज लेस्टर स्क्वेयर के थिएटर के अंदर। तो आई थिंक ब्रिकलेन वॉज समथिंग विच वॉज ब्रिकलेन रोल वॉज अमेजिंग फॉर मी। If you could live with any of your filmy characters, whom would you want to live with? पप्पू पेजर। ए, तुम लोग घबराने का नहीं समझा क्या? आज पप्पू बाजर को भारी आदमी पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। Which according to you was your most difficult role till date? Scam. It was a very small role, and I was amazed. मतलब I had a great time working in the Hansal Mehta. I didn't know how to do this, but I must tell you, I must confess in front of Pankaj. You know, you in your life you learn a lot from other people. Pankaj ke saath kaam karte karte kuch main jab scam ka role kar raha tha to maine socha Pankaj karta hai ye role chota sa to kaise karta. Aap agar dekhoge to uske andar jo maine sahajta dikhai hai wo Pankaj Tripathi se seekhi hai maine. Wo jo maine nahi to hana wo maine wahan se jo ke wo kaam composed jo character tha na तो उसका और उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त आया कि मैं तो सोचा नहीं था छोटे से रोल के अंदर लोग मेरी इतनी तारीफ करेंगे। अरे कमाल कमाल। पंकज जी, आपको इसके बारे में पता था? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। Something about Bollywood that has changed over the years you wish had not changed? I think हमारे ना थोड़ी सी एक कमी है, थोड़ी सी हमें ना अपने बड़े लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो थोड़ी रिस्पेक्ट की कमी है। आपकी बॉडी ऑफ वर्क की जो है ना वो थोड़ी कमी है, आपके बॉडी ऑफ वर्क को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता, आपको आउटडेटेड बोल दिया जाता है। सतीश जी, अगर इन फॉलोइंग लोगों से अगर आपको सवाल पूछना है तो आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? आप पंकज त्रिपाठी से आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे? पंकज से तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भैया जैसे हो बस वैसे ही रहना। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल नहीं है सलाह है। गोविंदा गोविंदा जी से अगर आपको सवाल पूछना चाहेंगे तो? भैया वापस आ जाओ यार, तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है यार, सवाल नहीं इच्छा है। सलमान खान से जो प्रोड्यूसर भी हैं, जो प्रेजेंटर हैं इस फिल्म के, भाई अगली पिक्चर भी प्रेजेंट कर देगा भाई, साथ होता है तो और कॉन्फिडेंस आता है यू नो। सलमान खान, मैं तो अब प्राउड फील इसलिए करता हूँ क्योंकि एक मैंने तेरे नाम बनाई उनके साथ और एक मैंने कागज बनाई उनके साथ, तो हमारा ट्रैक रोड अच्छा है। मैं कई बार ट्विटर पे बोलता हूँ कि भैया अब हैट्रिक कब दोगे सलमान, तो मे बी हो सकता है सलमान खान पंकज त्रिपाठी सतीश कौशिक के लिए। इन फॉलोइंग लोगों को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें वन वर्ड में तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डेविड धवन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे वन वर्ड में? ए पर्सन हु गेव मी माय कमर्शियल आइडेंटिटी एज एन एक्टर। दीपिका पादुकोण, आई थिंक मोस्ट एलिगेंट फीमेल गर्ल एक्ट्रेस। आलिया भट्ट, सुपरबली टैलेंटेड। प्रतीक गांधी, ही इज अ मैन ऑफ द क्राउड। सती जी, अगर इन फॉलोइंग सेंटेंस को प्लीज अगर आप कंप्लीट करना चाहें, अ रोल ऑफ माइंड दैट आई स्टिल कांट गेट आउट ऑफ माय माइंड इज चानू अहमद ब्रिकलेन। Something that every actor should do at least once in their career is play themselves. One thing I don't like about Bollywood is I love everything about Bollywood. I love film business.